होली एक रंगों का त्यौहार है और उसी रंगों में डूबने के लिए हम निकल पड़े वृंदावन को। से मिलवाता हूँ जिसने ताजमहल बनाया था। आइए बताइए आप ताजमहल के बारे में। देखिए ताजमहल जो है हमको विरासत में मिली, हमारे जो दादा पुरखा थे हमारे लिए छोड़ के गए, लेकिन अभी रजिस्ट्री कराना बाकी है। आपने बनाया था? नहीं नहीं मैं छत्तीसगढ़ में मेला में आपने ताजमहल देखा है। अच्छा, जो आकाश में पड़ता है। भगवान कौन है? पशुपति। न
नंद बाबा के यहाँ कितनी गाय थी भैया, करोड़न गाय थी। उनको चराने भगवान आया करती थी और पूरी रात को 12 बजे जब जन्म होता है भैया जी, तो कोई थारी बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई लोटा बजा रहा है, कोई गिलास बजा रहा है, कोई चम्मच बजा रहा है, अलग ही आनंद होता है। अरे तुम्हारे अंदर दया है, भावना है, अब हमारा राज्य आया, हमारा खुदाई हुआ, तो यहाँ शिव शंकर का मूर्ति निकला और हनुमान जी का मूर्ति निकला, लेकिन हमने अपने ठाकुर जी को मस्जिद नहीं विराजमान कर दिया। अरे बहुत, हाँ, हमने उनका मस्जिद नहीं तोड़ा, यही तो खासियत है हमें, तभी तो हमने बुलाया है, हर हर मोदी घर घर जोगी। मामा कंस को मार के भगवान ने यहाँ विश्राम किया। यहाँ पे शाम को आरती होती है 7 बजे, सुबह में होती है 5 बजे। भगवान ने उनके मन में क्या घृणा कर दी, बोले अगर सिटी में होके जाऊंगा तो हर एक कोई मेरे को चोर 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 कह के पकड़ लेगा, इसलिए उन्होंने यमुना मैया का किनारा चुना। रसिया पर जोरी रे रसिया, कौन गाँव के कुमर कनाई, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। तो अभी हम द्वारिकाधीश से दर्शन करके आए हैं, बहुत होली खेले हैं, देखते हैं पूछते हैं हमारे दोस्तों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बताओ। अभी तो यमुना नदी के तट पर हैं, हमारे साथ एक भैया है जो गाइड कर रहे हैं, काफ़ी शानदार इनकी आवाज़ है, हमने गाने सुने बहुत सारे, हमने कुछ नहीं खाया फिर भी इतनी एनर्जी कि हम 2 दिन तक ऐसे ही जग के यहाँ होली मना सकते हैं। ठीक है बबलू आप बताओ, द्वारिकाधीश मंदिर में जो आनंद की अनुभूति हुई है उसका कोई जवाब नहीं, मतलब क्या ही बोले। बोलो कन्हैया लाल, अभी यमुना घाट पे हैं, द्वारिकाधीश मैंने पहली बार दर्शन किए, बोलो होली के रसिया की जय। बता ही नहीं सकता, अभी हम वृंदावन जाएंगे और होली खेलेंगे और साथ तक खेलेंगे, रात तक खेलेंगे। नितेश अभी तक का हमारा सफर बहुत ही मजेदार रहा है, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि, देखते हैं अभी वहाँ कैसा करते हैं।
जा रहे हैं गोकुल की ओर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है। कुछ तो अलग बात है इस ब्रज भूमि में। जिंदगी की भागदौड़ से थोड़ा वक्त निकालकर फिर कभी आएंगे ब्रज की होली खेलने कन्हैया के संग। आप भी आइए और हो जाइए श्री कृष्ण के भक्ति में लीन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।